इस दौरान उन्होंने इंदौर स्वास्थ्य मिशन का नया गाना भी लॉन्च किया। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। केवल हम जी आज नहीं, रोज मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी इंदौर की रोज समीक्षा करता हूँ। यहाँ पेशेंट्स कितने हैं और बेड्स कितने हैं, ऑक्यूपाइड कितने हैं, बाकी सेस कितने बचे हैं, आगे कितनी जरूरत होगी, आज इस समीक्षा के आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस समय हम कोरोना को नियंत्रित कर पाए हैं। अब चूंकि हमको अनलॉक भी करना है, स्कूल केवल ट्यूशन फीस के अलावा जब तक स्कूल बंद रहेंगे और कोई फीस नहीं वसूली जाएगी। अगर कहीं से शिकायत आती है तो हम कार्रवाई करेंगे। ये बिजली के बिलों के मामले में स्पष्ट रूप से सरकार ने फैसला किया है कि पिछले साल अप्रैल मई जून में जिनके 100 रुपए आए थे उनसे 50 रुपए वसूले जाएंगे, जिनके 100 से 400 आए थे उनसे 100 रुपए वसूले जाएंगे, नहीं 100 से ज़्यादा 400 तक आए, और बाकी स्वास्थ्य के मैंने पहले बताया प्राथमिकता में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ावा दे के आगे आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। और दूसरे लूटपाट नहीं होगी, वह ऐसे लोग ठीक कर दिए जाएंगे, उसका पर्याप्त इंतजाम है।